सो है जो नमस्ते वनकम, मैं आपका शेरिन हूं और आगे हूं एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं सोच रहा था कि क्वारंटाइन चल रहा है, बहुत लोग बोर हो रहे हैं, मुझे पता है मैं भी बोर हो रहा हूं, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A वीडियो बनाया जाए। तो आज Q&A वीडियो बनाने बैठा हूं, देखते हैं चलो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सिडी नहीं करा है तो उसका दियो भाई। गैस सिलेंडर कह दो उन्हें, सब्सिडी नहीं होती वो भाई, छोड़ दो। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस कोई मेरे फैंस के नहीं है, ये मेरे खुद के दोस्त लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, उनको मैं ठीक से रिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाऊं और उस पर बराबर प्रॉपरली उनको समझा पाऊं कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, बस इतना ही अपना मोटिव था आज का। तो देखते चलो, पहला क्वेश्चन है मुस्तफ़ा भाई का यहाँ पे कि भाई मुझको कोई टिप्स दे कैसे बॉडी बनाना था तेरे जैसा। सबसे पहले तो भाई थैंक यू, मैं इतना बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बना रहा हूँ लेकिन इतना बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन लोग सोचते कि ये शेडअप कैसा है, इसका एप्स कैसा है, ये वो। तो फिर तू भी भाई कोशिश करते रहना, मोटिवेटेड रहना, लाइन से 10-15 वीडियोज़ देखते रहे जो तुझे करना है, तो फिर तू अपने आप लाइन पे आ जाएगा। और हार्डवर्क करते रहना बस, जैसे कंसिस्टेंसी, तो अगर रोज़ करता है थोड़ा थोड़ा तो बात अलग हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बन जाएगा तेरा बॉडी, तू भी हीरो बन जाएगा। तो फिर वही, और दूसरा क्वेश्चन भी है उसी का, बीसी मेरा कब बनेगा। बीसी मेरा कब बनेगा, कोशिश चालू है ब्रो। ओके ब्रो, कोशिश करते रहना, कोशिश छोड़ देगा तो फिर वैसे भी तो हार जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं, तो उससे अच्छा तो है कि ट्राई करते रहो, जब तक है ट्राई करते रहो, बस मचाते रहो। और तीसरा क्वेश्चन है अपना खास दोस्त रोहित कवंकर का, भाई सुन ऐप्स का एक्सरसाइज बताना। भाई ऐप्स का मैं सबसे पहले बता दूँ कि लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्रंचेस मारना चालू कर देते, नो वैसा मत करो, तुम लोग पहले फैट लॉस पे ध्यान दो, फैट लॉस तुम्हारा स्टमक का जो भी बेली का फैट रहेगा उसको कम करो, पहले रनिंग करो, कार्डियो करो, हाई हैवी इंटेंस बॉडी वर्कआउट करो, तो फिर तुम लोग को मतलब बेसिक हो जाएगा, तुम लोग को पहला फैट कटिंग हो जाएगा, तो फिर उसमें अपने आप एक कोर बनेगा, तो फिर उसमें तुम लोग को क्रंचेस वगैरह बाद में चालू करना, तो पहले क्रंचेस चालू करके वो गलती मत करना, तुम लोग और पानी ज़्यादा पीना एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती, तो वही। और वैसे भी इतना ही नहीं है, मेरे दोस्तों का मैसेज था और एक और भी मैसेज आए थे, जो एक बड़ा मतलब है वो भी शुभम धागेश नाम का एक बंदा है, जो पहले दानिश भाई का ये हुआ करता था, वीडियोग्राफर हुआ करता था, जो उनके ब्लॉग्स भी बनाता था, उनके भी ब्लॉग्स बहुत अच्छे, जाओ जाकर फॉलो करो शुभम धारवे। तो भाई आप देख रहे हो तो फिर लाइक कर देना। और शुभम धारवे भाई ने पूछा था कि भाई आप शेडर कैसे होते हो, आपका कोई डाइट है क्या। मैंने बोला नो डाइट वाइट कुछ नहीं होता, तो बस टाइम टू टाइम खाते रहना, ओट्स ज़्यादा खाना, अंडा ज़्यादा खाना, प्रोटीन, सो सब प्रोटीन जो है वो चालू रहना चाहिए, और तुम लोग का खाना पीना टाइम पे रखो बस, और एक्सरसाइज करते रहो कंटिन्यूटी, बस वही सीक्रेट है, और कोई कुछ है नहीं, कार्डियो पे ध्यान रखो बस, हो गया। और थैंक यू आपने भी मुझे मैसेज रिसर्च किया, अच्छा लगा भाई, ऐसे ही करते रहो, मचाते रहो। सो और भी कुछ पर्सनली टिप्स देना चाहूँगा जो कि इफेक्टिव हो सकता है तुम्हारे लिए, जैसे कि फर्स्ट वन इज नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। जैसे ही तुम लोग उठते हो पहला काम ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर बॉडी में जो भी पानी है वो यूरिन के तरफ से बाहर जाएगा, फिर थोड़ी देर 5 मिनट रुकना है, फिर पानी पी लेना है बहुत सारा, मतलब 500 लीटर्स to 1 लीटर पानी एक साथ पी लेना है, फिर थोड़ी देर वेट करना है, फिर थोड़ी देर मतलब एक्सरसाइज करना है 5-10 मिनट, लाइक हार्डली 5-10 मिनट्स, देन फिर ब्रेकफास्ट करना है वो 5-10 मिनट्स। वर्कआउट जो भी होगा वो तुम्हारा वो इंटेंस नहीं होगा, हल्का 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 जो भी मारोगे वो ऐसे ही पसीना निकालने के लिए, फिर जाके ब्रेकफास्ट कर लो, जैसे कि ओट्स और अंडा या फिर केला या फिर कुछ ना कुछ ज़्यादा कैलोरीज, क्योंकि हमारे अंदर कुछ खाना रहता नहीं है, 8 घंटे से हम लोग सो रहे होते हैं, 8 से 10 घंटे, क्योंकि क्वारंटाइन में कुछ लोग 12 घंटे 14 घंटे सो रहे हैं, उनके लिए तो फिर नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। सेकेंड वेरी टिप इज बेसिक टिप, लाइक ड्रिंक मोर वाटर। सो ड्रिंक मोर वाटर का मतलब ये नहीं कि 1.5 लीटर पानी रोज का पी लेना, लोग बोलते हैं कि 1.5 लीटर पानी पी लिया, सो इफ यू आर ड्रिंकिंग 1.2 लीटर और 1.5 लीटर, यू प्रोबेबली आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर अ डे। सो मैं फिलहाल तो 6 लीटर पानी पी रहा हूँ, अभी टारगेट है 10 तक, देखेंगे ट्राई करता हूँ, बट होता नहीं इतना पी नहीं पाते, बहुत बार बार यूरिन जाना पड़ता है। फिर ड्रिंक मोर वाटर अ डे, पहले ही गर्मी चल रहा है तो फिर डबल द वाटर। वैसे ह्यूमन बॉडी को 3.7 लीटर पानी का इंजेक्शन रोज होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो अभी समर चल रहा है तो फिर सीन ऐसा है कि अगर समर में पानी नहीं पियोगे तो फिर तुम्हारा ही वो
मसल लॉस। थर्ड वेरी टिपिकल फॉर बॉयज लाइक मैस्टरबेशन कम करना पड़ेगा। अगर मैस्टरबेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो फिर जाओ सुजू पॉप को फॉलो करो। सुजू पॉप ने एक वीडियो बनाया था जो कि सिर्फ मैस्टरबेशन पे था, और मैस्टरबेशन पे भाई ने बहुत ही अच्छा बताया, जो कि मुझे भी कंट्रोल करने के लिए अच्छा लगा कि फिर बाद में कुछ तो है कि हाँ ये सोच के मैं भी नहीं कर रहा हूँ मैस्टरबेट। मैस्टरबेशन पे कंट्रोल करोगे तो तुम्हारे वैस्कुलरिटी पे डिफरेंस आएगा, तुम्हारे मसल जो है वो लॉस तो नहीं होते मैस्टरबेशन से, लेकिन जब तुम लोग मैस्टरबेशन करते हो तो फिर मसल गेन करने का जो टेस्टोस्टेरोन रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर मतलब नहीं करते, तो फिर वो भी कंट्रोल कर लो। और टिप इज़ की स्लीप मोर। आई नो तुम लोग अभी फ़िलहाल तो क्वारंटाइन चल रहा है, तो फिर ये स्लीप मोर वाला सीन तो लोग हेट कर रहे थे। सोना है सोना नहीं है लोगों को, लोग 4-4 बजे सुबह सो रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी 2-3 बजे तक जगा रहता हूँ, मूवीज़ वगैरह देखते रहता हूँ, पबजी खेलना वगैरह वगैरह, और कुछ काम तो बचा नहीं ना लोगों क्या कर बैठे। लास्ट स्टेप पे जब आप मोटिवेट हो जाते हो तो डोंट ओवर वर्कआउट। डोंट ओवर वर्कआउट का मतलब ये है कि लोग एक एक 1.5 घंटा एकदम इंटेंस वर्कआउट करेंगे, एक ही दिन में फिलिप बन जाएंगे, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे जाना पड़ता है। पहले स्टार्ट में तुम 15-20 मिनट से चालू करो, मैं अभी भी 25 मिनट्स तक ही वर्कआउट करता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ अपना वर्कआउट बस इतना। और तुम लोग ओवर वर्कआउट करोगे तो तुम्हारा मसल गेन करने जा रहा होगा, तुम्हारा मसल लॉस होगा, तो इतना फ़र्क जान लेना है तुम लोग को। ज़्यादा ओवर ट्रेन मत करो। मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ कि जिम कभी लगाओ, जिम लगाऊंगा तो फिर से वीडियो ड्रॉप करेंगे अपन चाहते थे। चलो भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड शेयर दिस वीडियो जितना भी हो सके। तुम लोग को चाहे जितना भी शेयर करना चाहे शेयर करो, जिसको भी ऐप बनाना है, जिसको भी जो भी टिप्स चाहिए उसको शेयर कर दो अपनी मर्ज़ी से। और तो कुछ नहीं, स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेक्सी।